10 साल के अपने बेटे की मौत पर न्याय की मांग कर रही मां मुसरत खातून और पिता मोहम्मद शाह आलम। न्याय के लिए दर दर भटके मां बाप ने मीडिया के आगे अपनी आपबीती जाहिर की। उन्होंने चौदवार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना के अनुसार चौदवार नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 राहुल साही में कई वर्षों से किराए पर रहने वाले मोहम्मद शाह आलम अपने 10 वर्षीय बेटे मोहम्मद आसिफ की मौत को लेकर संदेह के घेरे में है। पिछले 25 तारीख गुरुवार की शाम मां मुसरत खातून को यह पता चला कि उनका बेटा पड़ोसी के निर्माण हो रहे घर पर बने पानी के टंकी में गिर गया। बाद में स्थानीय लोग लड़के को टंकी से निकालकर मेडिकल सेंटर ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मां मुसरत का कहना है कि उनके पड़ोसी मोहम्मद आशिक और उनकी पत्नी उनके परिवार को परेशान कर रहे थे और बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बेटे को खो देने के बाद पड़ोसी मोहम्मद आशिक और उनकी पत्नी ने धमकी दी कि यदि वो थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे तो उनके दूसरे बेटे को मार डालेंगे और परिवार को नष्ट कर देंगे। लिहाजा जहां चौद्वार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर यह पता लगेगा कि यह दुर्घटना है या हत्या। जो बच्चा गिर गया है वो आपका कौन है? बच्चा मेरा लड़का है। उसका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। कितने साल का है? 10 साल का। क्या हुआ था? रोशनी खातून जो है उसका आसिफ भाई, बच्चे तो वो टंकी में है बच्चा पूरा, ऐसे बोला टंकी में तो वही सबको बुलाया, निकाल के बाहर निकाला मेरा बच्चा को, मेडिकल जनसेवक को लेकर गया, जनसेवक बोला कि 12 मेडिकल लेके जा, 12 मेडिकल में मेरा बच्चा नहीं निकला। अभी क्या चाहते हो? अभी क्या चाहते हो? न्याय चाहिए। वो बोलता है कि बोलू हम नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बोलती है। आप FIR दे के आने के बाद क्या हुआ था? उसका जो माल है आपको क्या हुआ था? वो बोलता है कि जो भी बल ज्यादा आगे में बढ़ोगे जो बचे पेट्रोल छिट के आग लगा देंगे। हाँ, कोई मेरे सबर देने के लिए आते घर पे ना, तो वो बोलता है कि सभी को बोलू पेट्रोल छिट के आग लगाई देंगे, बोल ऐसे बोलती है। मैं ये करूँगी, मैं करोड़ों का ये करूँगी वो करूँगी, जो करना है ऐसे करो। और क्या बोल रहे थे पुलिस के बारे में? जो आप पुलिस को दिया है FIR, पुलिस आपको न्याय देगा, मगर तो उसको FIR देते आने के बाद वो क्या बोल रहा था? वो क्या बोला? कुछ ही कर लो बोल, हम नहीं सुने। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ, मैं साई में रहता हूँ, मैं 2 साल से भरा हूँ। मेरा बच्चा को जो है साइड में घर बन रहा है मोहम्मद आसिफ का, और अपन उसका फैमिली का नाम है। वो लोग शाम के टाइम में जब मेरा बच्चा को बुलाया, बुलाने के बाद जो है उसका माँ की घर में, माँ जो है थोड़ा देर बाद खोजने गई, पता चला बच्चा नहीं है। पूरा खोज खाज के आई, पता सब पूछा, बोला कि टंकी में तो मेरा बच्चा, उसी में से मेरा बच्चा बाहर हुआ। हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपने इसलिए FIR दिया है? किसके नाम से FIR दिया है? क्या हुआ है? मोहम्मद आसिफ के नाम से FIR दिया हूँ, क्योंकि हमको उसी पर शक है, मोहल्ला का आदमी भी बोलता है, तो वही लोग ये काम किया है। आपके बच्चे के नाम क्या है? कैसे उनके ऊपर शक कर रहे हो? कैसे वो कर सकते है? जैसे उसी के घर में मेरा बच्चा बाहर हुआ, उसी का बीवी हमको बोला कि बच्चा टंकी में है, नहीं तो हम तो पूरा में खोज खाज करके चले आए, हमको मिला नहीं। वही देखने के बाद वो खुद बताया तुम्हारा बच्चा टंकी में पड़ा हुआ है, फिर वहीं पर का आदमी उसको बाहर करके ले गया, हमको खबर दिया दुकान से, मैं मेडिकल सीधा गया। उसके बाद में जब उस मैडम सुनाडम हो गया, फिर मंगली मार्केट में उनको बुला करके खुद वो अपने जो है 15-20 आदमी बैठा करके वो हमको कंप्रोमाइज कर करके बोला कि 1,00,000 रुपया दूंगा। मैं बोला कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरा बच्चा अभी गया है, हमको न्याय चाहिए। कितना रुपया देने वाले थे रफा तफा करने? 14,00,000 रुपया। किसने बोले? आसिक ने, मोहम्मद आसिक ने। उसका बनोई था, आसिक था और समाज के बहुत आदमी थे, वो लोग ही डिसाइड किए। हमसे पूछा गया, हम बोला देखो मेरा बच्चा गया, मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं। आप तो पुलिस को FIR किए हो, तो सांबादिक सम्मेलन में रखने कोई क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ, पुलिस वाले ने बोला कि जब तक वहाँ से रिपोर्ट नहीं आएगा पोस्टमार्टम, तब तक मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा।
मैं क्या करूं, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता तब तक मैं ऐसे वेट कर रहा हूं। क्या चाहता है आप? मेरे को न्याय चाहिए, आप पूछिए। मेरा बच्चा दिया 10 साल का, मेरे को न्याय चाहिए। ओडिशा से इमरान खान की रिपोर्ट, बिग न्यूज 24/7।